हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विद शशिकला पांडे में स्वागत है। और देखिए आज मैं कहाँ आ गई हूँ आपको। जैसा कि आप जानते हैं, मंदिर, प्राकृतिक सीन वगैरह मतलब देखना, वहाँ जाना मुझे अच्छा लगता है और हम जहाँ भी जाते हैं आपको भी ले जाते हैं। तो आज ऐसे ही एक पुराने मंदिर पर आए हैं और ऐसी परंपरा है कि जो प्राचीन काल में ये तालाब आपको दिख रहा है, यहीं से इस मूर्ति को निकाला गया था। और अंग्रेज़ों ने, ये भी माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने मूर्ति को काट भी दिया था। आप तो जानते हैं कि अंग्रेज़ मूर्ति विरोधी थे, वैसे भी वह किसी भी धर्म को मतलब यहाँ के धर्म को नहीं मानते थे, अपने धर्म को तो मानते ही हैं। और देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बचपन में बहुत आते थे क्योंकि यहीं के बगल के प्राइमरी के स्कूल में हम लोग पढ़ाई भी किए हैं। लेकिन तब में और अब में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। बहुत साल पहले, वो 20 साल पहले की बात है जब हम लोग यहाँ आते थे, और भी हो गया। तो देखिए सीन पहले दिखाते हैं आपको चारों तरफ का कैसा है यहाँ का प्रकृति की गोद में बता। हमने सोचा कि यहाँ तो कोई जल्दी आता नहीं है, दर्शन करने लोग आते हैं लेकिन वीडियो कोई नहीं डालता है यहाँ का। तो हमने सोचा कि हम वीडियो डालने का प्रयास करते हैं। और देखिए कितना अच्छा मंदिर है, चारों तरफ का आपको दिखाते हैं। इस तालाब के किनारे बसा हुआ पहले एक कुआं भी हुआ करता था, जहाँ पर अभी देखिए ये नल है, उस कुएं को पाट करके बना दिया गया है नल। और इस तालाब के उस पार ही प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर हम लोग पढ़ा करते थे और लंच टाइम में यहाँ पर आते थे सब लोग। तो ये सही बात है कि कहीं पुराने जगह जाइए और कुछ यादें रहती हैं तो याद पड़ ही जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम ज़्यादा विलंब न करते हुए आपको यहाँ की प्राकृतिक सीन को दिखाते हैं। देखिए कितना विशाल का यह पेड़ है, चारों तरफ फैला हुआ, देख लीजिए आप भी। और प्राकृतिक छटा तो यहाँ की बिल्कुल ही निराली है, चारों तरफ प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह छोटा सा मंदिर। और यहाँ पर पूजा अर्चना, ऐसी मान्यता है कि जो लोग यहाँ पूजा करने आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज तो हम भी आए हैं, हमारा लड़का राज भी आया है। और फिर चलते हैं और देखिए यहाँ मंदिर की सीढ़ियों को आपको दिखाते हैं। देखिए मंदिर की सीढ़ियों पर कितनी बकरी बैठी हुई है यहाँ पर। तो कहा जाता है कि हर जो भी जानवर होते हैं उसमें भी जान होती है, और होती ही है, कहना है क्या। तो वो लोग भी मंदिर में बैठे हुए हैं अपना, और एक एक कदम जो है रखते हुए सीढ़ियों पर हम आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं मंदिर की तरफ। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा घंटा है, इसको बजा देते हैं, काफ़ी ऊपर है। देखिए ये है घंटा, और मंदिर को और भी पूरा दिखाते हैं। देखिए ये ऊपर तक कैसे बना हुआ है, चारों तरफ। ठीक है दोस्तों, तो दिखाइए जरा इधर, ये है मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति है। और इनके हाथ देखिए, हाथ कटे हुए हैं काफ़ी, और पैर भी कटे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि अंग्रेज़ों ने हाथ पैर को काटा है। और आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कितना तांडव कर रखा था, कितने लोगों को बंदी बनाया, कितनों को मारा, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो हम चलते हैं, इतनी दूर आए हैं तो पहले दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं, आइए। पूरा मंदिर दिखा दीजिए अंदर में कैसा है। और आपने देखा कि हमने मंदिर में पूजा कर ली है, और इधर भी द्वार है। पहले जब हम लोग आते थे तो इसी द्वार से ज़्यादा हम लोग जाते थे, पूरा मंदिर अच्छे से नहीं बना था। लेकिन अब तो चारों तरफ मंदिर बन चुका है बहुत ही अच्छा से। देखिए एक बार परिक्रमा भी कर लेते हैं मंदिर की।
और वास्तव में प्रकृति की एक अनुपम छटा होती है, और जहाँ भी जो भी चीज़ें प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उनके बीच में जाना रहना हर किसी को अच्छा लगता है, और कह सकते हैं हृदय हमारा आनंद से भर उठता है अगर ऐसे जगह हम जाते हैं। और देखिए यहाँ भी नंदी जो शिव जी के गढ़ हैं उनकी उनकी मूर्ति बनी हुई है, पैर छू लेते हैं। तुलसी जी, तुलसी माता का भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। और देखिए यहाँ भी शंकर भगवान की मूर्ति रखी हुई है। देखिए यही दृश्य है चारों तरफ का, जहाँ आप देखेंगे जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी पेड़ ही पेड़ आपको दिखाई पड़ेगा चारों तरफ इस मंदिर के। यही तो इसकी खूबी है, और इसीलिए यहाँ पर आना भी हम लोगों को पहले भी अच्छा लगता था और अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे, बहुत दिनों से सोच रहे थे यहाँ आने के लिए, लेकिन आज मौका मिला है। कह सकते हैं पूरे मंदिर के दर्शन आपको करा रहे हैं, एक भव्य दर्शन देख लीजिए। कितना अच्छा, यहाँ पर जो लोग भी आना चाहें, यह झंगहा में है तो झंगहा बाजार टोला में पड़ता है, तो यहाँ पर आकर के दर्शन कर सकते हैं, मंदिर को भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर। और वर्षों पुराने पेड़ हैं यहाँ पर, देखिए कितने विशालकाय पेड़ हैं, देख लीजिए चारों तरफ एकदम आसमान की बुलंदियों को छूने वाले। देखिए ऐसा लगता है कि पूरे आसमान तक पहुंच गए हैं, सूर्य की किरणें भी देखिए पत्तों के बीचों बीच से आती हुई। और वास्तव में ऐसे स्थान पर जाने पर कहीं ना कहीं मन जो है बिल्कुल आनंद से प्रफुल्लित हो उठता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय।